जहानाबाद में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। बंद पड़े घर चोरों के निशाने पर हैं। एक बार फिर चोरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। एक ओर जहां चोर लगातार बंद पड़े घरों को अपना निशाना बना रहे हैं, वहीं पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। चोरी की वारदातों में एक वारदात और जुड़ गई। फिर से चोरों ने गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करने वाले रमेश ठाकुर के बंद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर डाली। घटना नगर थाना क्षेत्र के उत्तरी दौलतपुर रोड की है। इस बारे में गृहस्वामी ने बताया कि उनकी मां का देहांत हो गया था, जिसके कारण वो सपरिवार गांव चले गए थे। गुरुवार की सुबह पड़ोस के लोगों ने घर का ताला टूटा देखा और इसकी सूचना दी। सूचना पाकर वो गांव से वापस लौटे तो देखा घर का ताला टूटा हुआ है और सभी कमरों में सामान बिखरे पड़े हैं। घर में बिखरे पड़े सामानों को देखकर वो समझ गए कि चोरों ने घर के एक एक चीज की इत्मीनान से तलाशी की। चोरों ने सभी कमरों का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होकर बक्सा अलमारी तक को खंगाल डाला और घर में रखे करीब 2 लाख रुपए मूल्य के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि लगातार बंद पड़े घरों में चोरी की वारदातें हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। चोर लगातार लॉकडाउन में पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अब ये पुलिस की जवाबदेही बनती है कि वो किस तरह से चोरी की इन वारदातों का खुलासा करे और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। आगे चोरी की ये वारदात ना हो और बंद पड़े घर भी सुरक्षित रहें, इसका भी इंतजाम किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जहानाबाद न्यूज। काम था तो वही काम में बगाली बस्ती में चली गई थी, तो परसों काम था। काम के दरमियान में कुछ परिवार लोग आए हुए थे तो कल कुछ को विदागी किए और उसके बाद आज कुछ रह गए थे, तब सोचे कि विदागी कर करके आज चले जाएंगे। तो सुबह में वहाँ खबर गया कि मैंने आकर उनका जो है सो ताला टूटा हुआ है। वही सुन कर सब आए हैं, आने के दरमियान में देखे तो सब बक्सा वक्सा तोड़ करके सामान जो छीटा छटा है और गहना था, सो गहना जो लेकर के चली गए चल गया है। और कितना की चोरी होगा? करीब 2 लाख रुपये। सिर्फ जेवर की चोरी है कि और? हाँ, जेवर का है और नगद है 10-15 हज़ार रुपया मान के चलिए, ज़्यादा नहीं नगद था। अच्छा, लेकिन वही गहना था तो करीब 7-8 जोड़ी जो पायल था, 25-30 दिन को है, शादी का था, उस समय पर आ रहा था। घटना तो मालूम चला कि जो है यहाँ पर चोरी हुआ है, इस मोहल्ले का नाम है, क्या नाम बोल रहे हैं, उत्तरी दौलतपुर राजा बाजार। तो सूचना मिला था जो है कि यहाँ पर चोरी हुई है, वही गए थे देखने के लिए, तो फिलहाल तो चोरी की घटना सही है पाया गया है। कितना की चोरी होगी अब तो देखने के बाद ही वो लोग को जो है वही लोग बता सकती है ना।